हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के एक साल पूरे होने पर सोनीपत को छोड़ हर जिले में कार्यक्रम के आयोजन हुए। इस मौके पर अंबाला में विधायक असीम गोयल ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। आज हरियाणा सरकार का एक साल पूरा होने पर सोनीपत को छोड़ पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्य स्तरीय समारोह हिसार में हुआ, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला स्तरीय कार्यक्रमों से भी जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वह अंबाला जिला स्तर पर कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक असीम गोयल ने कहा, आज मुख्यमंत्री द्वारा अंबाला की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और सरकार के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर कई परियोजनाएं जिला अंबाला की झोली में आई और उनका शिलान्यास हुआ। विधायक असीम गोयल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में हरियाणा सरकार ने काफी बुलंदियां हासिल की हैं। जो परियोजनाएं लंबित हैं उनको भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। विधायक असीम गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको अपने धूल भरे चश्मे को उतार कर हरियाणा में हो रहे चौतरफा विकास को देखना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। देखिए, आज पूरे हरियाणा भर में जो आज एक साल पूरा हमारी सरकार का हुआ है दूसरे कार्यकाल का, उसको लेकर आज पूरे हरियाणा भर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से स्वयं हिसार में उपस्थित रहकर विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के जो है काम किया है, और अंबाला जिला में भी लगभग 72-73 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। और आज मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पूरे जिला के वासियों को। आज विशेषकर नारायणगढ़ क्षेत्र के हमारे सभी साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज लगभग 4 उनकी जो है स्वास्थ्य उससे संबंधित योजनाएं स्वास्थ्य विभाग से, ऐसे आज 4 बड़ी योजनाएं उनके यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। बहुत बड़ा दिन आज मुझे लगता है, स्वर्णिम दिन आज नारायणगढ़ में जो इतिहास में लिखा जाएगा स्वास्थ्य विभाग के नाते। और मेरे खुद के अपने हल्के की जो बहुत 50 साल पुरानी मांग, बड़े छोटे पुल थे जो मलौर वाला अप्रोच था हमारा मटेड़ी से ननियोड़ा और जो नगड़ से सेकता रोड जाती थी उस पर, ऐसे 6 पुलों का अलग अलग, चाहे वो SYL के ऊपर 2 पुल थे, 2 निर्वाणा ब्रांच के ऊपर थे और 2 पैरेलल ड्रेन के ऊपर थे, ऐसे 6 पुलों का अलग अलग आज हमारे यहाँ भी जो है उद्घाटन हुआ है। साहा के अंदर एक कॉलेज का, साइंस ब्लॉक का, बराड़ा के अंदर स्कूल के बिल्डिंग का, कैंट में भी एक एजुकेशन विभाग का, हायर एजुकेशन का कॉलेज का, ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। आज बहुत अंबाला वालों के लिए और पूरे हरियाणा वालों के लिए बड़ा गर्व का दिन है। एक साल पूरा हुआ है, विकास की जो कहानी चल रही थी उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज एक साल संपन्न हुआ। ये विपक्ष वाले अपने चश्मे के ऊपर जमी हुई धूल साफ कर लें और आज पूरे हरियाणा भर की पूरी रिपोर्ट वो मंगा सकते हैं। अंबाला का मैंने आपको विस्तार से बताया है और पूरे हरियाणा के अंदर जो हुए हैं सब विपक्ष से कहीं कुछ छिपा नहीं हुआ, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कभी किया ही नहीं। कभी वो अपने ना घोषणा पत्र के मामले से, या एक घोषणा पत्र होता है जो चुनावों से जीतने से पहले हम तय करते हैं, और एक हमारा जो कार्य संकल्प पत्र होता है जिसको हम बनाते हैं, ना विपक्ष का कोई घोषणा पत्र था ना कार्य संकल्प पत्र था। हमारा घोषणा पत्र भी है, कार्य संकल्प पत्र भी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अपने चश्मे की धूल उठा के देखें।